बिहार में इन दिनों लोगों के बैंक खातों में अचानक से पैसे आ रहे हैं। पैसा कहां से आ रहा है ये किसी को पता नहीं। पहले खगड़िया जिले में एक युवक के खाते में 5.5 लाख रुपए आए और अब कटिहार जिले में 2 छात्रों के खातों में 96 करोड़ रुपए आ गए। इतनी बड़ी धनराशि अकाउंट में आने से छात्रों के साथ बैंक अधिकारी भी हैरान है। जब दूसरे लोगों को पता चला तो उन्होंने भी अपने अकाउंट को चेक करने शुरू कर दिए। इसके चलते बैंक में लोगों की लाइन लग गई। मामला कटिहार जिले की आजमनगर थाना क्षेत्र की है। यहाँ बघौरा पंचायत के 2 स्कूली बच्चों के बैंक खाते में 96 करोड़ रुपये आ गए। दरअसल उत्तरी बिहार ग्रामीण बैंक में खाताधारक कक्षा 6 में पढ़ने वाले आशीष के खाते में 6,20,11,101 रुपये और गुरुचरण विश्वास के खाते में 90,52,21,100 रुपये अचानक आ गए। इस संबंध में शाखा प्रबंधक मनोज गुप्ता ने बताया कि दोनों बच्चों के खाते से भुगतान पर रोक लगा दी गई है। मामले की जांच की जा रही है। हालांकि पैसे आने से बैंक अधिकारी सहित सभी लोग हैरान हैं। साथ ही बच्चे और उनके गार्जियन को भी पता नहीं है कि राशि कहां से आई है। कैसे पता चला? खाता चेक करने गए थे ना। तो कौन सी के लिए खाता में पैसा आता है? स्कूल का। अच्छा, स्कूल का है। तो चौंक गया है ना सब, कैसे पैसा इतना पैसा है? इतना पैसा आ गया तो आश्चर्य हुआ ना तुमको? हाँ। कितना पैसा हुआ है? 905 करोड़। कौन स्कूल में पढ़ते हैं? स्कूल का नाम बताओ। मिडिल स्कूल बलतर। कितना क्लास में? 6। पैसा आया था? 62 करोड़। कौन खाता में आया है? स्कूल वाला। किताब खरीद? कौन सी का देता है पैसा उसमें? किताब खरीदने के लिए। इतना पैसा तो नहीं आता है? नहीं। पहले ये दोनों बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। स्कूल में पढ़ने के समय में पोषण राशि का जो पैसा आने वाला था तो बच्चा ने चेक किया। जो चेक किया तो उसमें देख रहे हैं कि करोड़ों करोड़ का पैसा उस खाते में घुस रहा है। तो हमने सरकार से मांग करेंगे कि बैंक द्वारा इतना पारदर्शिता के साथ काम होता है, इतना करोड़ों करोड़ का पैसा एक खाते में कैसे आता है। जो हम सरकार से मांग करेंगे कि इस पैसे की जांच किया जाए और बैंक को पारदर्शिता किया जाए।